सो फाइनली रजनीकांत की फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्चुअली ट्रेलर नहीं, इसको शोकेस बोलिए, इसको शोकेस के नाम से ही प्रमोट किया जा रहा है। यह एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन और कॉमेडी मूवी होने वाली है। 2 मिनट 15 सेकंड के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। ट्रेलर में रजनी सर के 2 रोल देखने को मिलते हैं, एक एकदम कॉमन मैन की तरह जिसकी एक फैमिली है और जो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है, और दूसरा एकदम अलग जो पहले जेलर रहे होंगे किसी जेल में, उनका रावड़ी अवतार भी देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेलर को तमिल भाषा में रिलीज किया गया है, भला हो सबटाइटल का, जिसकी वजह से सब कुछ समझ में आ जाता है। फिल्म में रजनी सर के साथ साथ जैकी श्रॉफ, सुनील, शिवा राजकुमार, काम्या कृष्णन और मोहनलाल सर भी देखने को मिलेंगे। तमन्ना भाटिया बस एक आइटम सॉन्ग में ही नजर आएंगी फिल्म में। फिल्म को डायरेक्ट किया है नेल्सन दिलीप कुमार ने और फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दोस्तों फिल्म 10 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है, लेकिन यह हिंदी में रिलीज होगी भी या नहीं इसका अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैं बुक माई शो पर टिकट बुक करने लगा तो उसमें हिंदी का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म हिंदी में रिलीज होगी। अगर यह फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई तो नॉर्थ इंडिया में तो यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि 11 अगस्त यानी कि अगले दिन गदर 2 और ओ माई गॉड का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, जिनकी हाइप बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं 10 अगस्त को थिएटर में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।